एसएमएस अस्पताल को जुलाई महीने के शुरुआत में ही सौगातों का गुलदस्ता मिलने वाला है। अस्पताल में बहुत जल्द ट्रोमा अंडरपास, वेटिंग हॉल और कमांड सेंटर की शुरुआत होगी। इन नई सुविधाओं को लेकर सूबे के चिकित्सा मंत्री कालीचरण सर्राफ ने आज एसएमएस अस्पताल का दौरा किया। व्यवस्थाओं का जायजा लेने के बाद मंत्री ने 2 जुलाई को सीएम की ओर से इन सुविधाओं के उद्घाटन की बात भी कही है। सर्राफ ने कहा कि सीएम राजे का सपना था कि ट्रोमा सेंटर और एसएमएस के बीच अंडरपास बने। 14.5 करोड़ की लागत से और अंडरपास का निर्माण कार्य पूरा हो गया है, जिसका टेंटेटिवली 2 जुलाई को आदरणीय मुख्यमंत्री जी जनता को इसको समर्पित करेगी। इसके साथ ही अब अस्पताल के हर कोने में पैनी नजर रखी जाएगी। यही नहीं, 108 एम्बुलेंस की ट्रैकिंग भी कमांड सेंटर से ही की जा सकेगी। साथ ही अस्पताल में 1.5 करोड़ की लागत से अतिरिक्त वेटिंग हॉल और रजिस्ट्रेशन काउंटर भी बनाए गए हैं। मरीज, उनके साथ जो परिजन आते थे, उनको यहाँ बैठने में और रजिस्ट्रेशन करवाने में बड़ी दिक्कत होती थी, तो ये सेंट्रली एयर कंडीशन 1.5 करोड़ रुपए की लागत से ये शानदार और जानदार वेटिंग हॉल यहाँ पर निर्मित हुआ है। एसएमएस के दौरे के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के सहयोग से बन रहे 18 बेड के आईसीयू का शिलान्यास का भी जिक्र किया। साथ ही पीएम मोदी के 7 जुलाई को प्रस्तावित जयपुर दौरे पर एसएमएस के लिए समय लेने का प्रयास करने की बात कही है। और इससे क्या होगा कि जैसे पेशेंट सीरियस होगा, वार्ड से तुरंत उसको हम हाई डिपेंडेंसी यूनिट में शिफ्ट कर देंगे। और जैसा कि मुझे फीडबैक दिया है मेडिसिन डिपार्टमेंट ने, इससे बहुत अच्छा पेशेंट्स को फायदा हुआ है और इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं राज्य सरकार को और विशेष तौर पर मुख्यमंत्री महोदय को, उन्होंने ऐसा दिया हमें और जिससे कि अस्पताल चला। एसएमएस अस्पताल की तरफ से मिल रहे ये शुभ समाचार कहीं न कहीं मरीजों के लिए मददगार जरूर साबित होंगे। आशुतोष शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।